शिवपुरी में कवरेज के दौरान पत्रकार पर किए गए जानलेवा हमले के विरोध में आज जिले भर के अखबार लामबंद हो गए। इस घटना की मीडिया कर्मियों ने कड़े शब्दों में आलोचना की है। इस घटना के बाद पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत भी हर मीडिया कर्मी को महसूस होने लगी है। एकजुट हुए पत्रकारों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने एसपी ऑफिस की ओर रुख किया, जहां सभी ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन एएसपी बघेल को सौंपा। ज्ञापन में संबंधित आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। यह बताना लाजमी होगा कि शिवपुरी शहर के कमलागंज इलाके में जल संकट को लेकर किए गए चक्का जाम का कवरेज करने पहुंचे नई दुनिया के पत्रकार और कैमरामैन के साथ असामाजिक तत्वों ने मारपीट कर दी थी। इस घटना में पत्रकार को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया है। जैसे ही यह घटना सामने आई, पत्रकारों में विरोध की लहर दौड़ गई। इस घटना की कड़ी निंदा करने के साथ पत्रकारों ने इस घटना की पुनरावृत्ति रोकने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से ये अपेक्षा जताई जा रही कि वह पत्रकारों की सुरक्षा के लिए जल्द ही वह उचित और सार्थक कदम उठाएंगे। तो आप सभी पत्रकार बंधुओं की ओर से माननीय सीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है और जो उचित माध्यम से माननीय सीएम महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। क्या मुख्य मांगे हैं पत्रकारों? पत्रकार में उसमें जो पत्रकारों पे जो अत्याचार हुए हैं शिवपुरी की घटना को लेकर विशेष संदर्भ दिया हुआ है, उस संदर्भ में आपने लिखा है और जो लिखा है वो लिखा पत्र